सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, अगर आप यहां पर रियलमी की अपकमिंग रियलमी एक्स 7 सीरीज के स्मार्टफोन्स का वेट कर रहे हैं इंडिया में लॉन्च होने के लिए, तो आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों यहां पर रियलमी एक्स 7 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लेकर के काफी सारी डिटेल्स निकल करके आई है ऑफिशियली, जो कि आज के इस वीडियो में आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूं। तो जो वीडियो है सबसे पहले यहां पर आपको देखने मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करूं आपसे यहां पर Realme की अपकमिंग X7 सीरीज के बारे में, तो हालांकि अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि जो Realme की अपकमिंग X7 सीरीज है वो आपको इसी वीक में यहां पर इंडिया में देखने के लिए मिलने वाली है। और यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चीज और इन्फॉर्म कर दूं कि इस बार कहा जा रहा है कि Realme X7 सीरीज में आपको दो स्मार्टफोन यहां पर देखने के लिए ना मिले, मे बी आपको यहां पर दो से ज्यादा स्मार्टफोन देखने के लिए मिल सकते हैं इंडिया में। यहां पर Realme X7 और Realme X7 Pro ये दो स्मार्टफोन तो ऑलरेडी यहां पर कंफर्म ही है कि ये जो दोनों स्मार्टफोन है वो यहां पर आपको Realme की अपकमिंग X7 सीरीज में देखने के लिए मिल जाएंगे इंडिया में। लेकिन दोस्तों, यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन की बजाय आपको एक तीसरा स्मार्टफोन भी Realme की अपकमिंग X7 सीरीज में यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। अब यहां पर आप पूछेंगे कि स्मार्टफोन आखिर है कौन सा। यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो है Realme V15 स्मार्टफोन। ये जो Realme V15 स्मार्टफोन ऑलरेडी यहां पर चाइना में लॉन्च किया गया है काफी अच्छी प्राइसिंग पे, काफी अच्छी फीचर्स के साथ में। यहां पर मैंने आपको कल इन्फॉर्म भी किया था कि जल्दी ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अब दोस्तों, यहां पर कहा ऐसा जा रहा है कि जो Realme V15 स्मार्टफोन ऑलरेडी चाइना में लॉन्च है, वो स्मार्टफोन इंडिया में हमें Realme X9 के नाम से देखने के लिए मिल सकता है। ऐसी कुछ डिटेल इसके बारे में निकल कर आई हैं। और यहां पर दावा यह भी किया जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है वो कंपनी के किसी भी इंटरनल सोर्स से पता चली है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जो Realme V15 स्मार्टफोन है वो इंडिया में Realme X9 स्मार्टफोन के नाम से देखने के लिए मिलने वाला है। तो Realme X सीरीज में तीन स्मार्टफोन देखने के लिए मिल सकते हैं एक साथ, Realme X7, Realme X7 Pro एंड Realme X9। अब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों यहां पर कल माधव सेठ की तरफ से Realme की अपकमिंग X7 सीरीज फिर से टीज कर की गई है। इन्होंने X इज द फ्यूचर करके जो हैशटैग है उसको यूज किया है। और यहां पर अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन के बारे में, तो यहां पर इन्होंने जो स्मार्टफोन की इमेज पोस्ट की है वहां पर Realme V15 स्मार्टफोन है। अब Realme X7 सीरीज को टीज कर रहे हैं, तो वहां पर Realme V15 स्मार्टफोन को रखने का क्या मतलब हुआ। तो दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं ये चीज साफ हो जाती है कि जो Realme V15 स्मार्टफोन है वो आपको इंडिया में रीब्रांडेड स्मार्टफोन के तौर पे देखने के लिए मिल सकता है Realme की अपकमिंग X सीरीज के अंदर। और जो स्मार्टफोन Realme X7 और Realme X7 Pro दोनों स्मार्टफोन से सस्ता होने वाला है। यहां पर आप इमेज भी देख सकते होंगे, फाइनली इन्होंने पोस्ट किया है हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर। इन्होंने कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं Realme के, कुछ सात कार्ड यहां पर हैं, सात कार्ड इन्होंने रखे हुए क्योंकि Realme X7 सीरीज आ रही है, तो उसको टीज करने के लिए इन्होंने सात कार्ड को यहां पर रखा हुआ है। बगल में Realme V15 स्मार्टफोन रखा गया है। अगर आप बैक पैनल को देख रहे होंगे तो ये Realme V15 स्मार्टफोन ही है जो कि यहां पर Realme की अपकमिंग X7 सीरीज के साथ में टीज हो रहा है। और दोस्तों, अगर देखें Realme V15 स्मार्टफोन को, तो ऑलरेडी ये जो स्मार्टफोन है वो काफी सारे सर्टिफिकेशन साइट पे ऑलरेडी यहां पर सर्टिफाई हो चुका है। और वो पॉसिबल है कि जो स्मार्टफोन है वो यहां पर इंडिया में एक रीब्रांडेड स्मार्टफोन के तौर पे हमें देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, फाइनली ये थी अभी तक की आई कुछ लीक्स डिटेल्स जो कि मैंने आपको यहां पर इन्फॉर्म कर दिया। इस टीजिंग से तो यही कंफर्म होता है। अब उम्मीद है कि आज इसकी जो लॉन्च डेट है वो यहां पर निकल करके आ सकती है ऑफिशियली कि जो स्मार्टफोन है वो कब यहां पर किस दिन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस टीजिंग के बारे में? आप क्या चाहते हैं कि जो Realme V15 स्मार्टफोन है वो इंडिया में Realme X7 सीरीज के अंदर आए? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और रही बात स्मार्टफोन के लॉन्च होने की, तो ये जो स्मार्टफोन है इसी वीक में यहां पर इंडिया में देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी कुछ डिटेल्स जो कि यहां पर निकल करके आई है Realme की अपकमिंग X7 सीरीज को लेकर के, मैंने सोचा जरूर से आपके साथ में शेयर करना चाहिए। अब आपका क्या कहना है इन सभी चीजों के बारे में? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फाइन दोस्तों, ये था कुछ वीडियो में। आशा करता हूं छोटी जानकारी समय आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बटन प्रेस कर लीजिएगा।